हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। माय नेम इज सिमरन कुंवर। अ वेरी वार्म वेलकम हमारे जो भी डीईसी के न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिन बच्चों ने जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2022, इन तीनों महीनों में एडमिशन लिया है। आपका सेशन जनवरी 2022 है। आपको ध्यान रखना है, बच्चों को अपने सेशन की बहुत कंफ्यूजन रहती है। आपका जनवरी 2022 सेशन का स्टूडेंट्स है, आपके सेशन के असाइनमेंट्स आ चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था और जैसे मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ। ये देखो, ये इंग्लिश मीडियम के असाइनमेंट्स, ये हिंदी मीडियम के असाइनमेंट्स, इन पर अभी हम चलते हैं। ये एक शॉर्ट में आपको पूरे के पूरे साल का ओवरव्यू देने के लिए है कि पूरे साल आपको क्या क्या करना है और कैसे आप अच्छे टीचर्स बनोगे। इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया लग जाए कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है जी, आप हो जनवरी 2022 सेशन के स्टूडेंट्स, आपके असाइनमेंट्स ये आ चुके हैं। ये इंग्लिश मीडियम के हैं, ये हिंदी मीडियम के हैं। आपको तीन असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, DC1, DC2, DC3। इसको सबमिट करने की लास्ट डेट 30, देखो यहाँ पर ना लिखी भी हुई है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं मैम क्या है। जनवरी 2022 सेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 है, मतलब अभी तो बहुत दूर है। 30 सितंबर तक आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। आप जो अपने असाइनमेंट्स बनाओगे आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होंगे। अब मैम स्टडी सेंटर क्या होता है, तुम लोग ये पूछते हो। जब आपने अपने इग्नू में एडमिशन लिया था तो फॉर्म भरते वक्त आपने एक अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया होगा। जो स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया था वहां पर आपको अपने असाइनमेंट्स सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो मैंने ना चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है कि अपना आई कार्ड कैसे डाउनलोड करें, वो देख लेना, उससे पता चल जाएगा आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। आई कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें स्टडी सेंटर लिखा होगा, उस स्टडी सेंटर को कॉपी करके गूगल पे डालना, वहां का एड्रेस मिल जाएगा और वहां पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। टाइम टू टाइम मैं सारी चीजें बताती रहूंगी, अभी ये एक शॉर्ट में चीजें बता रही हूँ। ये करने के बाद 30 सितंबर तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सितंबर के बाद आया अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 15 नवंबर तक अप्रोक्सीमेटली ऐसे डेट जाती है, आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। अब प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट करना होगा, प्रोजेक्ट या तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होता है या दिल्ली मैदान गढ़ी स्पीड पोस्ट होता है। चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, आपका प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी हेड ऑफिस में जाएगा, तो वहां पर स्पीड पोस्ट करना होता है। बाकी जैसी गाइडलाइंस आएंगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। चलो मैं ना आपको एक इजी सॉल्यूशन बताती हूँ। आपको वीडियो पे लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा होगा, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जनवरी 2022 सेशन की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, या आगे आने वाले कोई और सेशन के भी स्टूडेंट होंगे, अब जैसे जुलाई 2022 के आएंगे, कोई भी सेशन के स्टूडेंट हो मैसेज कर देना, मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं उनको मैसेज करने की नीड नहीं है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारे पास सेव हैं और हम उन्हें अपडेट्स देते रहते हैं। तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं करा कर देना, ताकि इससे क्या होगा, हम आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेंगे आपके सेशन के हिसाब से। तो आपके सेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे थ्रू आउट द ईयर आपको हमसे मिलते रहेंगे। आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाय करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन आपको अपडेट्स तो कम से कम हमसे मिलते रहेंगे ना जब आप हमें मैसेज कर दोगे, तो मैसेज कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको मान लो सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, DC1, DC2, DC3, तीनों 100-100 रुपीज में कंप्लीट सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, विद उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, प्रॉपर उसके अंदर क्या होंगे, कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखे होंगे, डायग्राम्स होंगे, सेक्शन ABC फुली कंप्लीट होंगे। बस उसको क्या करना है, कॉपी करके आपको लिखना है और आप सबमिट करा सकते हो, और आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी सिमरन मैम इतने मेहनत से उनको सॉल्व कर रही है। ठीक है जी, सितंबर तक आप अपने असाइनमेंट सबमिट करोगे, नवंबर तक आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। अगर आपको हमसे डीईसी का लेटेस्ट सॉल्व प्रोजेक्ट चाहिए होगा, लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, वहां पे कॉन्टेक्ट करके आप
लेटेस्ट प्रोजेक्ट ले सकते हो। प्रोजेक्ट में हम आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, ये नहीं है कि हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के सैंपल्स हैं, तो हम सबको अलग अलग सैंपल्स देते हैं, अलग अलग पार्ट्स देते हैं, ताकि किसी का किसी प्रोजेक्ट के साथ मैच ना हो, किसी का किसी के साथ मैच नहीं होगा तो रिजेक्ट तो होगा ही नहीं। सिमरन मैम के स्टूडेंट्स जितने भी प्रोजेक्ट लेते हैं कभी उनका रिजेक्ट नहीं होता। क्यों रिजेक्ट नहीं होता? क्योंकि हमारे पास इतने सारे सैंपल्स हैं कि उन सबका यूनिक ही लगता है, डिफरेंट ही लगता है। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेने हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेने हो, या फिर असाइनमेंट्स लेने हो, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से ले सकते हो। अब नवम्बर के बाद ही क्या होगा, नवम्बर के एंड तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी जब आएगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको क्या करना होता है, पर सब्जेक्ट 200 फीस फिल करनी होती है। तो DC1, DC2, DC3 इन तीनों के एग्जाम्स होते हैं, तो 600 आप एग्जामिनेशन फीस भरोगे और उस टाइम आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे। जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे वहीं पर आपके एग्जाम होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टडी सेंटर है वहां एग्जाम होंगे, जो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करोगे वहीं आपके पेपर होंगे। जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म्स आएंगे फटाफट से भर देना, वरना आपके आसपास की जो सीट्स होती हैं फुल हो जाती हैं, फिर आपको दूर दूर पेपर देने जाना पड़ता है, ऐसे नहीं करना। जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म्स आएंगे मैं चैनल पे वीडियो डाल दूंगी और भर देना। तभी मैं कह रही हूँ लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे अपना नंबर मैसेज कर देना, ताकि फटाफट से जैसे ही कोई अपडेट आए आप तक पहुंच जाए। फिर दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे, दिसंबर में एग्जाम्स होंगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो, एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना चाहो, लेटेस्ट वाला, मतलब पिछली बार, उससे पिछली बार, हमेशा हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ्स होती हैं उसी में से सारा पेपर आता है, चाहे आप अपने सीनियर से या आसपास जिन्होंने कर रखी है एंटिटी उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल। अच्छा, अब तुम कहोगे मैम दिसंबर में पेपर तो दे दिए, रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर में अगर पेपर दे दिए ना तो मान के चलना डेढ़ एक महीना तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। और रिजल्ट ना ऐसे नहीं आता कि कोई फिक्स डेट है इस दिन आएगा, धीरे धीरे कभी DC1 का आ जाएगा, फिर 2 का आ जाएगा, फिर 3 का आ जाएगा, ऐसे रिजल्ट डेढ़ या दो महीने में कंप्लीट आ जाएगा। रिजल्ट जब चारों सब्जेक्ट्स के आगे आपके कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, आप विद इन 10 या 15 डेज मार्कशीट और जो DMC होती है वो आपके घर तक आ जाएगी, घर पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो कॉन्वोकेशन होती है उसमें रजिस्टर करके आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर डिग्री आ जाती है। ये था आपका ओवरऑल प्रोसेस कि सारा साल आपको क्या करना है। मैंने आपको एक इजी सी चीज बता दी, क्या इजी सी चीज, लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर देना कि मैम हमारा ये सेशन है, ताकि टाइम टू टाइम हम आपको सारे अपडेट्स देते रहे। इसकी कोई फीस नहीं है, अपडेट्स हैं आप तक जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और उतने जल्दी टीचर्स बनोगे। हम आपके सपोर्ट के लिए यहीं पर है, यहीं पर थे, और अच्छी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और हमें बेस्ट बनाने के लिए, हमारे कोर्स को बेस्ट बनाने के लिए, असाइनमेंट्स को बेस्ट बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने तो मेहनत करी करी, आप सब ने भी हमारे साथ मेहनत करी, तभी हमारे सभी स्टूडेंट्स के 70% से ज्यादा मार्क्स आते हैं। और आई विश ये न्यू स्टूडेंट्स भी जो आ रहे हैं इनको भी हम इतनी मदद करेंगे, इतने अच्छे टीचर्स बना देंगे कि उनके भी 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पे शो हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आपको हमारा मटेरियल मिल सकता है। कोई और कहता है कि हम सिमरन मैम के नोट्स दे देंगे, तो वो आप लोगों को पुराने नोट्स देते हैं, आधी चीजें देते हैं, जिससे कि आपका ही लॉस होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और जो लेटेस्ट मटेरियल है वो हमारे नंबर से ही मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से टीचर्स बनो, आगे आने वाले साल में बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की, जिससे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और आप अच्छे टीचर्स बनोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी अब प्री प्राइमरी को इंक्लूड कर लिया गया है, जिसमें कि आंगनवाड़ी, प्ले एजुकेशन, प्ले वे को इंक्लूड किया गया है, तो जॉब स्किन की बढ़ेंगी DEC के टीचर्स की, NTT की। थैंक यू वेरी मच, हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, तुम लोग भूल जाते हो, और कमेंट करके बता देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि तुम्हें ये चीजें समझ आ रही हैं। थैंक यू।